असलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीप इन कंटैक्ट। तो पीएमडीसी को ख़त्म करके पीएमसी को लाया गया। पीएमसी ने डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन की, एनएलई टेस्ट रखा, एमडीकैट के बारे में काफ़ी मॉडिफिकेशन की, टेस्ट डेट भी अनाउंस की। अब पीएमडीसी को दोबारा बहाल कर दिया गया और पीएमसी की बिल्डिंग को उन्होंने बैन कर दिया। अब पीएमडीसी को चाहिए तो ये कि आए और अपनी न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे, जौन सी पॉलिसीज एंड मॉडिफिकेशन पीएमसी ने दी थी उनको ख़त्म करे, जैसे एनएलई टेस्ट एंड डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन। तो इसके बारे में हम डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट की राय लेते हैं, उनका इस फैसले के बारे में क्या कहना है। वो एक तरह से डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। देखिए, पीएमसी के आने से एक तो ये हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसमें एनएलई का किरदार सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एनएलई एक नई चीज़ है, किसी को इसका कोई आइडिया नहीं है, खास करके क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम उनको कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का। एनएलई अगर आपने रखा है फॉरेनर्स के लिए, तो आप फॉरेनर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स में कोई फर्क ही नहीं क्रिएट करें, फिर क्या फ़ायदा आपको पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस खोलने का, अगर इक्वल रेट में, उससे भी कम रेट में आपको चाइना एजुकेशन दे रहे हैं। जी, तो अगर एनएलई होना चाहिए फॉरेनर्स के लिए, उनकी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। आप अगर आपको अपनी स्टडी पर भरोसा नहीं है तो बता दें, अगर आपको पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन पे भरोसा नहीं है तो आप एनएलई रखें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो नहीं रखना चाहिए ना, ये बात गलत है। जी, अगर ये तो था पीएमसी ने न्यू पॉलिसी दी, अब पीएमडीसी आ गई, अब तो पीएमडीसी के जो अड़कान थे दोबारा से अपनी पोस्ट ले रहे हैं, तो अब क्या वो दोबारा से एनएलई का जो टेस्ट है बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे? मेरा जहाँ तक ख्याल है नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने भी एनएलई का सिस्टम बरकरार रखा तो फिर पीएमडीसी पीएमसी ही होगा बेसिकली। जी जी, वो पीएमडीसी तो नहीं रहेगा, क्योंकि पीएमडीसी की पॉलिसी में कहीं कहीं दूर दूर तक एनएलई का ताल्लुक नहीं था, ऐसे है जस्ट पीएमसी की पॉलिसी में था। फिर अगर डिफरेंस क्रिएट करना है, पीएमसी को पीएमडीसी से कन्वर्ट किया गया है, तो इट मींस पॉलिसीज भी चेंज होंगी जो पीएमडीसी की तो जो इन्होंने पहले खत्म किया था, ये तो बहुत गलत, एक रातों रात उसको खत्म कर दिया, मतलब रातों रात नहीं, चार पांच दिन बाद करना चाहिए, मतलब न्यूज़ तो एक रात के बाद ही आ गई थी, अगले दिन हमें पता चला, क्योंकि हमारा एमकैट का भी सीन चल रहा था, उसकी वजह से एक रात में उन्होंने पीएमडीसी को सील कर दिया, जिसकी वजह से सारा कुछ, सारा प्रोसेस वगैरह डिले हो गया। ऐसा होना चाहिए था, कोई खास रूल, कोई कोर्ट में केस चलते उसके बाद करते, कोई इस तरह से होना करते, एकदम से कर दिया उन्होंने, एकदम से करके। इसकी वजह क्या है, ये पता नहीं, सियासी रूल इसका इशू बनना चाहिए था, लेकिन अब दोबारा इसको रिकाउंसिल किया और ये बहुत अच्छा काम किया कि पीएमडीसी को दोबारा ला रहे हैं। पीएमडीसी को उन्होंने दोबारा से लेके आ रहे हैं और पीएमसी की बिल्डिंग को सील कर दी है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? पीएमसी वाला खच्ची मारी थी उन्होंने, कि किदारा जब आप स्टूडेंट्स की आप फीलिंग्स ही ज्यादा ऐसी करते हैं, कि बच्चे एमकैट की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आप उन्हें रिवार्ड कर रहे हैं, पीएमसी बदल रहे हैं, एमकैट की आप बीच में ही सिलेबस चेंज कर रहे हैं, इधर से एमकैट भी जा रहा है, इसके अलावा दूसरे मेड लिस्टों के भी लगनी है, प्रोसेस चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ तो आपने दरमियान में पीएमडीसी खत्म कर दी। जी, पागलों वाला काम किया है।